मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे। बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं। और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो। मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ही परेशानी हो रही है, मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, और मैं हमको हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है। जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा ही बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उनको आरोप लगाने हैं क्या करेंगे।